Welcome to Dental and Ayurveda, a channel for basic dental and Ayurvedic sciences. Our today's chapter is Dosho ke Vriddhi ke Lakshan and Dosho ke Shay ke Lakshan. और जो टॉपिक्स हम आज डिस्कस करेंगे वो है वात वृद्धि, पित्त वृद्धि, कफ वृद्धि, वात क्षय, पित्त क्षय और कफ क्षय। हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है दोष व्याधि विज्ञानम से दोषों की वृद्धि और क्षय के लक्षण। तो दोषों की वृद्धि और क्षय के लक्षण हमने पहले भी पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में। इसके श्लोक भी हैं सुश्रुत संहिता के इस मत अनुसार चरक में और अष्टांग हृदय में। तो श्लोक कभी कभी ऐसा होता है कि हम एग्ज़ाम टाइम पर हमें याद नहीं रह पाते हैं, पर हम जो है आज इसको एक टेबल फॉर्म में पढ़ेंगे, एक अलग तरीके से पढ़ेंगे ताकि हम एग्ज़ाम में उसे भूलें ना, हमें याद रहे और एटलीस्ट हम उसकी हिंदी लिख सकें। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वात वृद्धि के बारे में कि जब वात की वृद्धि हो जाती है तो कैसे क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं हमारे शरीर में। तो सब वात वृद्धि होने के कारण दुबलापन दिखाई देता है, इंसान पतला दिखाई देता है, उसकी त्वचा कृष्ण हो जाती है, ब्लैकिश कलर दिखता है, स्फुरण होता है, स्फुरण मतलब फड़कने जैसा दर्द होता है, उष्ण द्रव्य सेवन की इच्छा करती है, निद्रा नाश हो जाता है, अल्प बल, विबंध, मलसंग और गाढ़वच मतलब जो मल है वो बंध जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, शरीर में कंपन होता है, संज्ञा का नाश हो जाता है, इंद्रिय उपाघात, इंद्रिय उपाघात मतलब सेंसरी सेंसेशन जो है वो कम हो जाते हैं, अस्थि में शूल होता है, मज्जा में शोष मतलब एट्रॉफी हो जाती है, आद्यमान, आद्यमान का मतलब आफरा आ जाना, आटोप, आटोप मतलब पेट का फूलना, मौ, दीनता, भय, शोक और प्रलाप, प्रलाप का अर्थ होता है पागलों जैसी बातें करना। तो ये सभी के सभी वात वृद्धि के लक्षण हैं। अब हम आगे देखें पित्त वृद्धि। तो पित्त वृद्धि में जो त्वचा का वर्ण है वो पीत हो जाता है और जो ताप है शरीर का वो बढ़ जाता है, शीत पदार्थ की इच्छा होने लगती है, अल्प निद्रा आती है, मूर्छा की अवस्था हो जाती है और बल में भी हानि हो जाती है, इंद्रियों द्वारा विषय ग्रहण में दुर्बलता आ जाती है कि इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण नहीं कर पाती हैं अच्छे से, मूत्र मल और नेत्र का जो वर्ण है वो पीत हो जाता है, पीला पड़ जाता है, गलानी होना, ओज का विस्तरण मतलब ओज का डिस्प्लेसमेंट होना, शीत की अभिलाषा करना, दाह मतलब जलन होना, तिक्तता, तिक्तता का मतलब होता है बिटर टेस्ट, कड़वा स्वाद आना, तृष्णा और क्रोध का होना, ये सभी पित्त वृद्धि के लक्षण हैं। अब हम आगे देखें इसी टेबल में तो कफ वृद्धि है। कफ वृद्धि में त्वचा का वर्ण श्वेत हो जाता है, शीतलता का अनुभव होता है, स्थिरता रहती है, गुरुता फील होती है, गुरुता भारीपन सा फील होता है शरीर में, अवसाद, डिप्रेशन फील होता है, तंद्रा, निद्रा, हमें पता है कि कफ में तमगुण की वृद्धि होती है, तो जब कफ वृद्धि हो रही है तो तमगुण भी बढ़ेगा, तो उस वजह से तंद्रा का होना, निद्रा का होना भी आवश्यक सा है, संधि शिथिलता होना, ढीलापन होना, जो जॉइंट्स है वो लूज हो जाते हैं, स्थौल्य, मोटापा बढ़ना, आलस्य बढ़ना, स्रोतस अवरोध, स्रोतस में जो संवहन होता है उसमें अवरोध पैदा हो जाता है, मूर्छा का होना, श्वास, कास प्रेसक, कफ प्रेसक, कफ प्रोडक्टिव बढ़ना, कफ का बढ़ना, हल्लास मतलब नौजिया होना और अग्निसाद, अग्निसाद मतलब अग्नि मंद होना, कफ की वृद्धि की वजह से अग्नि मंद हो जाती है और जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं होता है, ये सभी कफ वृद्धि के लक्षण हैं। तो इसमें हमने पढ़ा है वात वृद्धि, पित्त वृद्धि और कफ वृद्धि, और इस टेबल से आई होप कि हम सब कंपैरिजन के तौर पे तीनों के तीनों के लक्षण हमें याद रहेंगे और ये हमारे लिए इजी फॉर्म होगी।
हम आगे दोषों के क्षय के लक्षण देखेंगे। तो दोषों के क्षय के लक्षण में हम सबसे पहले वात क्षय के लक्षण देखेंगे। तो वात क्षय के लक्षण में सबसे पहला पॉइंट आता है चेष्टा का मंद हो जाना, कि हम जो भी कार्य करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, उन सब का कम हो जाना, वाक शक्ति दुर्बल हो जाना, डल वॉइस होना, कम बोलना, हर्ष का अभाव होना, मतलब खुश ना रहना, संज्ञा का नाश, प्रेसक द वॉटरी सीक्रेशन का बढ़ जाना, माउथ में लार ज़्यादा आना, अरुचि होना, हल्लास होना, मोह, अंग साध मतलब बॉडी एक शरीर का टूटना और विषम अग्नि का होना, ये सभी दोषों के क्षय के लक्षण हैं, वात के क्षय के लक्षण हैं। अब हम आगे देखें पित्त क्षय के लक्षण। तो पित्त क्षय के लक्षण में शरीर का ताप जो है वो कम हो जाता है। हमने देखा पित्त वृद्धि में कि ताप जो है वो बढ़ जाता है और क्षय में ताप कम हो जाता है, अग्नि दुर्बल हो जाती है। प्रभा का क्षय, प्रभा का मतलब जो चमक रहती है चेहरे पे, उस चमक का कम हो जाना, शरीर में स्तब्धता बढ़ जाना, शीतता का फील हो, मतलब ताप कम हो जाएगा तो बॉडी ठंडी बढ़ जाएगी, अनियत तोद होना, इरेगुलर पेन, कभी भी दर्द होने लग जाता है, अनियत तोद कहते हैं, अरोचक होना, अविपाक मतलब इंडाइजेशन होना, अंगों में परुषता मतलब हार्शनेस का आ जाना, और कम गौरव, नख और नयन का सफ़ेद पड़ जाना, कि पित्त की वृद्धि से जो मल मूत्र नेत्र थे उनका पीत वर्ण हो रहा था, और यहाँ पित्त क्षय की वजह से जो नख और नेत्र का वर्ण है वो सफ़ेद पड़ जाता है। तो ये सभी पित्त क्षय के लक्षण हैं। अब हम आगे देखें तो कफ क्षय के लक्षण देखते हैं। कफ क्षय के लक्षण में रुक्षता बढ़ जाती है, कफ वृद्धि में तो स्निग्धता बढ़ जाती है, क्योंकि कफ का गुण है स्निग्ध रहना, पर क्षय में क्या होगा, स्निग्धता कम होने के कारण रुक्षता बढ़ जाएगी। आंतरिक दाह होना, इंटरनल बर्निंग सेंसेशन फील होना, आमाशय अन्य स्थानों पर श्लेष्मा की शून्यता होना, इसका अर्थ है कि आमाशय के साथ साथ अन्य स्थानों में भी कफ का बिल्कुल कम हो जाना, संधि में शिथिलता आ जाना, क्योंकि स्निग्धता होने की वजह से जो जॉइंट्स हैं वो सब अच्छे से फंक्शन करते हैं, बट स्निग्धता कम होने की वजह से संधियों में शिथिलता आ जाती है। तृष्णा, प्यास लगना, दुर्बलता आ जाना, रात्रि जागरण, जैसे कफ वृद्धि से ज़्यादा नींद आती है, वैसे ही कफ क्षय से नींद नहीं आती है, रात्रि जागरण जैसा हो जाता है। भ्रम, उद्वेष्टन का अर्थ है मसल क्रैम्प्स होना। आगे है अंग मर्द का मतलब बॉडी एक। परिप्लोष का मतलब होता है बर्निंग सेंसेशन इन सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन्स में जलन जैसा यूज होना, जैसे हमारे सेंसरी ऑर्गन है, हमारी आई है, आँख में जलन जैसा फील होना, या बाकी सेंसरी ऑर्गन्स में जलन फील होना। तोद मतलब पिन पॉइंट, सुई चुभने जैसा दर्द जो होता है उसे तोद कहते हैं, तो तोद होना। दबदा, कोई एक स्पेसिफिक जगह पर जलन होना, और स्पोट, ब्रिसल्स होना, वेपन, कांपना, मुंह से धुएं निकलने की प्रवृत्ति होना, और हृदय की धड़कनें बढ़ जाना, ये सभी कफ क्षय के लक्षण हैं। ये सभी पित्त क्षय, कफ क्षय और वात क्षय के लक्षण हमने पढ़े, हमने दोनों टेबल पढ़ी, दोनों टेबल आई होप कि आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। आप इस टेबल फॉर्म में जो दोषों के क्षय वृद्धि हैं इनको अच्छे से याद कर पाएंगे, ये आपके लिए इजी होगा। एंड आई होप दैट यू ऑल लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। नोट्स आर रेडिली अवेलेबल ऑन आर इंस्टाग्राम चैनल।